कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग वाइस चेयरमैन एवं पीसीसी सदस्य फरीद अहमद गाजी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की नीतियां देश में नफरत फैलाने वाली किसान मजदूर विरोधी है और पूंजीपतियों के हित में अधिकतर फैसले भाजपा सरकार करती है। देखिए खबरें आज भी के लिए गाजीपुर से जावेद बिन अली की खास रिपोर्ट। आज भी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और इसलिए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कमेटी माइनॉरिटी सेल में आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए हैं, इसके लिए खबरें आज भी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और एक सवाल पोर्टल की तरफ से है कि ये जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, इसको आप वर्तमान परिवेश में जबकि केंद्र सरकार द्वारा तमाम माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में जो मुझे वाइस चेयरमैन नेतृत्व ने एक जिम्मेदारी दिया है, और कांग्रेस की जो चाहत है कि जमीन से जुड़कर जनता के बीच में पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों को बताया जाए, और कांग्रेस ने जो कुछ जनता के लिए किया है, खासतौर से किसान मजदूर बेरोजगारों के लिए जो बरसों से देश को तरक्की के लिए करती रही है कांग्रेस, आज जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार है, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, ये अदानी अंबानी और पूंजीपतियों की गोद में खेलती हुई सरकार, इसके खिलाफ एक महाआंदोलन की बुनियाद पड़ रही है। किसान के आंदोलन के रूप में आप देख ही रहे हैं। इस वक्त जरूरत है, आपने कहा कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों का, तो माइनॉरिटी के लोगों ने कांग्रेस को बनाया। कांग्रेस के जो नीति हैं, जो मकसद हैं देश को बनाने के लिए है, उसमें अल्पसंख्यक समाज का बड़ा सहयोग रहा, और आज जो जिम्मेदारी मिली है उसको यकीनन बेहतर ढंग से निभाया जाएगा और आवाम में इसको बताया जाएगा किस तरीके से आज अल्पसंख्यकों पे भी जुल्म हो रहा है और कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही जगह जगह, और मॉब लिंचिंग में ये जो जुल्म है अदालतों के ऊपर, विकास के मुद्दों पर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, जो सरकार, केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार का जो कदम है, जो स्टेप है, वो समझ में नहीं आता है कि यह अपने देश के लोग हैं। ये जन विरोधी भावना के तहत हो रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े ये लोग कर रहे हैं, और ये निंदनीय है, इसकी मजम्मत की जाए, और यकीनन बदलाव आएगा। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने जो बिगुल फूंका है, जो एकता का, इस मुल्क में अनेकता में एकता है, विभिन्न धर्मों, मजहबों, जुबानों, वेशभूषा, खान पान का जो तौर तरीका, सारे लोग मिलकर के एक हिंदुस्तान जय हिंद का नारा लगाने वाली ये कौम, जिससे फिरंगी भी हार गए थे। गाजी साहब एक सवाल और, आपके जुझारू तेवर का ये आलम रहा कि गाजीपुर में आपने सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लंबा अभियान चलाया, आपने बहुत कार्य किया, और इसके चलते, इसके पूर्व जब आप उपाध्यक्ष नहीं थे तो
ये आपका जुझारी तेवर कांग्रेस के लोगों ने देखा समझा और आपको ये पद दिया गया, तो इस परिवेश में कि माइनॉरिटी बटी हुई है, समाजवादी पार्टी के खेमे में, बहुजन समाज पार्टी पार्टी के खेमे में, ऐसे परिवेश में संपर्क सेल की आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस ढंग से आप इन लोगों से पुनः अपने बैंक वोट को आप पुनः कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे? अल्पसंख्यक समाज के लोग, अकलैती समाज के लोग कांग्रेस को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि विगत कई दशकों में खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये छोटे छोटे दल हैं, इन लोगों ने कांग्रेस की बुराइयां कर कर के मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया, सत्ता हासिल करने का काम किया, सपा और बसपा बारी बारी हुकूमत पे कब्जा करती रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ घपले किए, बदउनवानी किए, दबंगई कायम किया, लेकिन देने के लिए माइनॉरिटी को इन लोगों के पास कुछ नहीं था, नहीं दिया। आज वो बात 30 साल हो गए, लोगों को समझ में आ रही है कि इससे तो अच्छी कांग्रेस ही थी और कांग्रेस रहेगी। इसलिए जगह जगह गांव में, गलियारों में, दरवाजों पर, दुकानों पर आम गरीब मजदूर जो तबका है उनमें और पढ़े लिखे दानिश्वरों में भी ये बात चल रही है कि कांग्रेस को लाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही विकास भी ला सकती है, तरक्की भी ला सकती है और अकलियत के लोगों को, मुस्लिमों को उनका खोया हुआ वकार वापस दिला सकती है और इस मुल्क को एक मजबूत भारत फिर से बना सकती है। एक अंतिम सवाल और गाजी साहब आपसे, कि चूंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माइनॉरिटी सेल का आपको उपाध्यक्ष बनाया है, तो संगठन का जो स्वरूप होगा उसके लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, जो हमारे आली जनाब नदीम जावेद साहब ने और शाहनवाज आलम साहब ने जो जिम्मेदारी दी है संगठन को मजबूत करने के लिए, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे रابطे में हैं और वो चाहते हैं कांग्रेस में जुड़ना, उनको जोड़ा जाएगा। और जो लोग भी ऐसे हैं, बहुत अन्य दल के लोग भी हैं जो मैंने कहा ना कि वो उग चुके हैं, वो ठगा हुआ अपने को महसूस करते हैं, छला हुआ वो महसूस करते हैं और उन्हें वाकई जरूरत है एक मजबूत संगठन की, पार्टी की, जो कांग्रेस विकल्प के तौर पर उभर करके सामने आना शुरू हो गई है और आने वाले 2022 में नक्शा अलग होगा। 30 साल के बाद का एक नया नक्शा जो कांग्रेस के नाम से लिखा जाएगा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एक सवाल और, वर्तमान परिवेश में भाजपा सरकार के जो 3 विधेयक किसानों के लिए पारित हुए उसका विरोध जो दिल्ली में इसमें चल रहा है, तो इसमें इन दिनों जो है वो जेनुइन और जामिया मिलिया विश्वविद्यालयों के जो छात्र पुनः इसमें घसीटे जा रहे हैं इस मुद्दे में कि ये किसानों को आगे करके अपना लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार पसंद हो जाए। तो ये जो गरीब की आवाज है इसे दबा नहीं सकते, इसे गुमराह नहीं कर सकते, इसे बदनाम नहीं कर सकते। कहते हैं ना गांव में कि बरियर्रा मारे रोए ना दे, आज कानून रूपी जो जुल्म है वो ऊपर चढ़ के आ रहा है, कहा जा रहा है मैंने कानून बनाया और वो कानून अंबानी अदानी और पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है, सारी चीजें सब पूंजीपतियों को दे देंगे, किसान को सिर्फ लेबर बना के दे देंगे, लेबर बन जाएगा किसान। किसान वो समझ रहा है, जो किसान अपने फसल के पत्तों को पहचानता है कि ये दाने कैसे देने वाला है,
वो अपने देश के नेताओं की मानसिकता को भी पहचानता है कि ये क्या बो रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और कौन सी फसल हमें काटनी है। वो समझ गए हैं कि आने वाली फसल कैसी होनी है, इसलिए उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनको लाख बदनाम आप करें, वो बदनाम नहीं होंगे, उनकी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने वाली है, कोने कोने तक। उसमें पढ़ा लिखा तबका जरूर आ गया, जो दानिश्वर है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, जो कानून को जानता है, जो नीतियों को जानता है, पहचानता है, जो लोगों की मक्कारियों से वाकिफ है, वो जान चुका है और लोग लामबंद हो रहे हैं, यकीनन उसे रोका नहीं जा सकता। अच्छा गाय साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खबरें आज तक को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आप भी आए।